तो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है फिलहाल आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, यहां पर राम भक्तों को बढ़ती मांग को देखते हुए अयोध्या में जाने वाले कुछ ट्रेन में बदलाव किया गया है। अब आपकी अयोध्या तक की जो यहाँ पर सफ़र रहेगा ना, काफ़ी आसान होने वाला है भारतीय रेलवे के इन ट्रेनों से, जिनकी बात मैं वीडियो के माध्यम से करने वाला हूँ। तो आस्था स्पेशल के तौर पर भाई और भी ट्रेनें इसमें जुड़ चुकी है। बताते चलो कि इसमें काफ़ी सारी ट्रेनों को जोड़ा गया है। कुछ इसमें से मेरे पास जो अपडेट आई है, मैक्सिमम ट्रेनें यहाँ पर गुजरात के लिए दी गई है, एंड कुछ ट्रेनें अभी फिलहाल जो मेरे पास रूट निकल कर आ रहा है इसमें से एक ट्रेन जो है इंदौर को भी मिली है। तो सभी ट्रेनों के बारे में बात करेंगे, कब से यह ट्रेनें चलाई जाएगी और सब कुछ जानेंगे ना वीडियो के माध्यम से। चलिए बिना देर के वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो भाई लोग, यहाँ पर बताते चलो कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश में भारतीय रेलवे ने भी अपनी कमर को जो है यहाँ पर कस लिया। लगातार ट्रेनों की कुनबे को लगातार जो है बढ़ाया जा रहा है। जो पहला ट्रेन आप लोगों को मिलने वाला पर रहेगा उधना से लेकर अयोध्या, एंड अयोध्या से उधना, ये ट्रेन स्टार्ट की जा रही है दिनांक 30 जनवरी 2024 से। देखिए दोस्तों, 22 तारीख के बाद ही ट्रेनों को शुरू किया जा रहा है। प्रॉब्लम यह है कि 22 तारीख को काफ़ी ज़्यादा रश हो जाएगा, इसकी वजह से देखते हुए भारतीय रेलवे की तरफ से जो ट्रेनें रहेगी वह जो है यहाँ पर 22 तारीख के बाद में रिलीज़ की जा रही है। तो इसके जो पहला नाम निकल कर आ रहा है कि इसमें ट्रेन नंबर 1 उधना से लेकर अयोध्या, और उधना वाली जो ट्रेन रहेगी दिनांक 30 जनवरी 2024 शुरू हो रही है, आप लोग इसका लाभ ले सकते हैं। एंड सेकेंड ट्रेन रहेगी ट्रेन इंदौर से लेकर अयोध्या, अयोध्या से लेकर इंदौर, इंदौर अयोध्या इंदौर, यही जो ट्रेन रहेगी 10 फरवरी 2024 के दिन से शुरुआत की जा रही है और यह भी काफ़ी अच्छी है। आप लोग भी इसका सफ़र जो है यहाँ पर कर सकते हैं। वो जो तीसरी ट्रेन है, ट्रेन संख्या ट्रेन जो रहने वाली वह रहेगी महेसना से लेकर सालारपुर और महेसना, यह ट्रेन में 30 जनवरी 2024 के दिन से इसकी शुरुआत करवाई जा रही है। एंड चौथी जो ट्रेन रहेगी वह रहेगी वापी अयोध्या वापी, जो कि 6 फरवरी 2024 के दिन से इसकी शुरुआत जो है करवाई जा रही है। इसके अलावा जो पांचवी ट्रेन भी आई दोस्तों, वह वडोदरा अयोध्या वडोदरा रहेगी। हालांकि इसका टाइम टेबल अभी तक निकल कर नहीं आया कि किस तारीख से चलाया जाएगा। वो जो छठवीं ट्रेन रहेगी वो रहेगी पालनपुर से सालारपुर पालनपुर, इसको 31 जनवरी 2024 के दिन से शुरुआत की जा रही है। एंड जो सातवीं ट्रेन रहेगी वलसाड से अयोध्या वलसाड, जिसको 2 फरवरी 2024 में शुरू किया जा रहा है। एंड ट्रेन नंबर जो आठवीं रहेगी साबरमती से सालारपुर और सालारपुर से साबरमती, इस ट्रेन का फिलहाल के लिए अभी तक जो है टाइम टेबल बताया नहीं गया है। तो अगर मैं फरवरी महीने की बात करूं तो इसमें से इंदौर अयोध्या इंदौर को चलाया जाएगा 3 फरवरी से, भावनगर अयोध्या भावनगर भी रिलीज़ की जा रही है 9 फरवरी से, राजकोट से अयोध्या और अयोध्या से राजकोट के लिए 10 फरवरी को ट्रेन निकलेगी, अहमदाबाद अयोध्या अहमदाबाद 10 फरवरी, सूरत अयोध्या सूरत 10 फरवरी। अब आप लोग इसको जो है यहाँ पर ऑफिशियल लेटर देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो कुछ इस हिसाब से यहाँ पर लगातार रूटों को बढ़ाया जा रहा है। उसके अलावा जो अभी कुछ ट्रेनें पेंडिंग में चल रही है अयोध्या को लेकर, जिसमें से दोस्तों उदयपुर से लेकर अयोध्या वाली है जो फिलहाल नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, मैं वेस्टर्न रेलवे की बात करूँ तो फिलहाल मैंने जो ट्रेन आपको बताया है वह वेस्टर्न रेलवे के अंडर में आती है। एंड वेस्टर्न रेलवे का जो और कुछ रूट्स बचा हुआ है उसमें से दोस्तों हिम्मतनगर अयोध्या की मांग बहुत तेज़ हो रही है, असरवा से लेकर यहाँ पर अयोध्या की मांग हो रही है वाया डूंगरपुर और यहाँ पर उदयपुर के रास्ते। हालांकि डूंगरपुर उदयपुर एंड WR का हिस्सा हो जाएंगे, बट स्टार्टिंग जो रहेगी इसकी हिम्मतनगर वेस्टर्न रेलवे से इसको जो है निकाला जाने वाला है। तो कुछ इस हिसाब से यहाँ पर ट्रेनों की लगातार डिमांड की जा रही है और लगातार एक या दो महीने के बाद में इसी सेक्शन पर दोस्तों अमृत भारत ट्रेनों को भी लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल बता दूं कि 3 चरण में अयोध्या के लिए ट्रेनें चलाई जा रही है। पहला चरण में वो ट्रेनें रहेगी जो ट्रेनें सिर्फ अयोध्या के फेस्टिवल को लेकर चलाई जा रही है, मतलब जो ट्रेनें 22 तारीख के इस पहले तो वह चलाई जाएगी। एंड सेकंड जो फेस रहेगा जिसमें कुछ ट्रेनें अप्रैल महीने तक संचालित की जाएगी। एंड जो थर्ड फेस रहने वाला है इसमें जो ट्रेनें चलाई जा रही है वो फ्यूचर में कंटिन्यू बनी रहेगी यात्रियों के रिस्पांस को देखते हुए। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें थी, मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया है। वीडियो कैसी लगी फटाफट आप लोग कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, बाय बाय एवरीबॉडी।